नमस्कार। औद्योगिक वित्त का जो सिलेबस में आप लोगों को दिया हुआ है वह अंतिम अध्याय आज हम समाप्त करेंगे, वह है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म में IDBI कहते हैं, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। छात्रों, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में की गई थी। 4 दशक तक इस बैंक ने औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में शीर्ष संस्था एपेक्स इंस्टीट्यूशन की भूमिका निभाई। अक्टूबर 2004 में इसे वाणिज्य बैंक के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य की स्थापना के पीछे 2 उद्देश्य थे। पहला जो उद्देश्य था, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अन्य सभी वित्त निगमों की भांति उद्योगों की स्थापना तथा विकास की परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना रहा है। इसकी स्थापना पुनर्वित्त की व्यवस्था के उद्देश्य से भी की गई है, परंतु यह बैंक अन्य सभी वित्त निगमों से इस दृष्टि से भिन्न था कि वह संपूर्ण औद्योगिक व्यवस्था का नेतृत्व करता था और वित्तीय संस्थाओं के कार्यों तथा नीतियों में तालमेल स्थापित करता था। दूसरा, आधारभूत उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करना इसका दूसरा मुख्य उद्देश्य था। भारत में आधारभूत उद्योगों का विकास अपर्याप्त है। इन उद्योगों से तत्काल समुचित मात्रा में लाभ की संभावना कम रहती है, इसलिए निजी निवेशक इनके विकास में रुचि नहीं लेते। अतः औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य विभिन्न आधारभूत उद्योगों जैसे लौह मिश्रित धातुओं, इस्पात, उर्वरक, पेट्रो रसायन इत्यादि के विकास को प्रोत्साहित करना था। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के वित्तीय साधन फाइनेंशियल रिसोर्सेस ऑफ IDBI भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के निम्नलिखित वित्तीय स्रोत रहे हैं। पहला, अंश पूंजी। दूसरा, भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक से ऋण। तीसरा, बॉन्ड तथा ऋण पत्रों का निर्गमन। चौथा, विदेशी मुद्रा में ऋण। पांचवा, जन निपेक्ष तथा छठा, अनुदान एवं सहायता। औद्योगिक विकास के उपरोक्त सामान्य साधनों के अतिरिक्त कुछ अन्य स्रोत भी रहे हैं जिनसे आवश्यकता पड़ने पर यह ऋण ले सकता था। इस श्रेणी में उल्लेखनीय है रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित राष्ट्रीय औद्योगिक साख कोष तथा भारत सरकार द्वारा स्थापित विकास सहायता कोष। छात्रों, अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे औद्योगिक विकास बैंक के कार्य फंक्शन इसके क्या हैं। औद्योगिक विकास बैंक का कार्य क्षेत्र अत्यधिक व्यापक रखा गया है, जिसकी चर्चा हम निम्न शब्दों में करेंगे, जो इस प्रकार है। पहला, इस बैंक को सभी प्रकार की औद्योगिक इकाइयों को दीर्घकालिक ऋण देने की स्वतंत्रता थी। इसे औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा
जारी किए जाने वाले ऋण पत्रों को भी खरीद सकने का अधिकार दिया गया। दूसरा, इस औद्योगिक उपक्रमों के अस्थगित भुगतानों तथा उनके द्वारा पूंजी बाजार से लिए जाने वाले ऋण की गारंटी करने का अधिकार दिया गया था। तीसरा, उद्योगों के प्रवर्तन को प्रोत्साहन देने के लिए यह आवश्यक है कि वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं द्वारा औद्योगिक इकाइयों के अंशों में प्रत्येक अभिदान किए जाएं। भारतीय औद्योगिक इकाइयों के अंशों में प्रत्यक्ष अभिदान किए जाएं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को इस संबंध में अधिकार दिया गया। चौथा, इसे औद्योगिक इकाइयों द्वारा निर्गमित अंशों, बॉन्डों तथा ऋण पत्रों का अभी गोपन करने का अधिकार दिया गया। भारत में अभी गोपन कार्य करने वाली संस्थाओं के अभाव को देखते हुए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का यह कार्य काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। पांचवा, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना से पहले पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से उद्योगों के पुनर्वित्त निगम की स्थापना की गई थी, परंतु भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना के बाद यह काम इस बैंक द्वारा किया जाने लगा। यह बैंक अनुचित तथा सहकारी बैंकों द्वारा औद्योगिक उपक्रमों को 3 से 10 वर्षों के लिए जाने वाले ऋणों तथा विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदान किए जाने वाले 3 से 25 वर्षों तक के ऋणों के लिए पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान करता रहा। इसने व्यापारिक बैंकों तथा दूसरे वित्तीय संस्थाओं द्वारा निर्यात के लिए दिए जाने वाले मध्यकालिक ऋणों के लिए पुनर्वित्त की सुविधा भी प्रदान की गई है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रवर्तन को प्रोत्साहित किया है। इसके लिए इतने निवेश तथा विपणन संबंधी जांच के अतिरिक्त अर्थ तकनीकी शोध का काम भी संपन्न किया है। यह प्रतिष्ठान विशेष को तकनीकी एवं प्रशासनिक सेवाओं भी उपलब्ध कराता रहा है। छात्रों, अब हम भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के परिचालन पर थोड़ा सा चर्चा हम करेंगे। औद्योगिक विकास की स्थापना 1 जुलाई 1964 को हुई थी। सितंबर 1964 में इसे भारतीय पुनर्वित्त निगम का विलयन हो गया था। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना रिजर्व बैंक की सहायक संस्था के रूप में हुई थी, लेकिन फरवरी 1976 में यह स्वतंत्र संस्था बन गया और इसका स्वामित्व सरकार के हाथों में गया। इस बैंक ने औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में शीर्ष संस्था के रूप में काम किया है। 31 मार्च 2004 तक इसने ऋणों की गारंटी के अतिरिक्त 2,23,524 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। छात्रों, यह आप जान लें कि IDBI बैंक 1976 के बाद स्वतंत्र संस्था के रूप में आई और नेशनलाइज बैंक की श्रेणी में इसकी भी गणना की जाने लगी।
लेकिन आज इस बैंक का अस्तित्व प्राय समाप्त हो गया। अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ, बल्कि इसका विलय जो अभी फिलहाल आपने जो भी नेशनलाइज बैंकें जो हैं उसकी छोटी इकाई, उसकी मात्रा को कम करते हुए अन्य छोटे छोटे बैंकों को जो मर्ज किया गया, विलय किया गया, उसमें IDBI बैंक भी है। तो इस तरह से IDBI बैंक की कंसेप्ट, कार्य, इसकी प्रणाली का चर्चा, परिचर्चा हम लोगों ने किया। अब आज के दिनों में हम यह निसंकोच कह सकते हैं कि इस बैंक का कार्य संतोषजनक रहा, लेकिन इसके क्षेत्र कम होने के फलस्वरूप, सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया में ही होने के फलस्वरूप इस इकाई को अननेशनलाइज बैंकों के साथ मर्ज कर दिया गया है। तो कहने का मतलब इसका नाम का अस्तित्व समाप्त हुआ, न कि इसके कार्य प्रणाली और इसके से जो सुविधा जो मिलने वाली थी वो समाप्त नहीं हुआ है। और आज हम इन्हीं सारी शब्दों के साथ इस चैप्टर का समाप्तिकरण करता हूँ। आपके सिलेबस में जो भी औद्योगिक वित्त, इंडस्ट्रियल फाइनेंस के माध्यम से जो पढ़ना है उसको प्रायः समाप्त किया गया, और इन्हीं सभी शब्दों के साथ आज का क्लास समाप्त होता है, चैप्टर समाप्त होता है। पुनः हम लोग दूसरे दिन दूसरे क्लास में नए अध्याय से, नए चैप्टर से फिर मिलेंगे। धन्यवाद।